अभी क्या दोबारा तनाजा खड़ा होने जा रहा है? तनाज़ा तो ये शुरू से चल रहा है, तनाज़ा तो ये सुप्रीम कोर्ट जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, जो हम करने जा रहे हैं हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सब कुछ हो गया, सिर्फ फूंक की ज़रूरत है, तो हमने फूंक वाले हजरत को बुलाया, वो पहुंचने वाले, वो फूंक मारेंगे, इंशाल्लाह हमारा बिल पास हो जाएगा। फूंक वाले आ रहे सर, फूंक वाले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फूंक मारी है और उसने कहा कि आनी तरमीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस फैसले को 12 जुलाई। देखें, हम कानून बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको जो है इंटरप्रेट करती है। कानून कौमी असेंबली बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट से सुप्रीम नहीं है। और अगर कोई सुप्रीम बनने की कोशिश करेगा तनाजात पैदा होंगे और ये फिर हेड ऑन कोलेशन की तरफ जाएगा, जिसको किसी को फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि फूंक वाले बाबा को आने दो, सब कुछ सही हो जाएगा। फूंक वाले बाबा सर।